राजस्थान का अलवर जिला अपने पर्यटन स्थलों के लिए पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी कड़ी में सिलीसेठ झील एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अलवर शहर से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित है। तीन ओर से अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा यह सुरम्य स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यह झील एक प्राकृतिक झील है, जो अपनी सुंदरता से किसी का भी मन मोह लेती है। यह झील जयपुर अलवर मार्ग पर अलवर से 16 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। सिलीसेठ झील के किनारे स्थित राजस्थान पर्यटन विकास निगम के लेक पैलेस होटल में ठहरने की भी व्यवस्था है। यहाँ स्थित पैलेस का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने सन 1844 ईस्वी में अपनी रानी सिल्ला के लिए करवाया था। तीन ओर से अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा यह सुरम्य स्थल पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, जो अपनी सुंदरता से किसी का भी मन मोह सकता है। 7 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई सिलीसेठ झील राजस्थान की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है, जो अलवर की लोकप्रिय जगहों में से एक है। पूर्व में 1845 में अलवर शहर को पानी की आपूर्ति के लिए सिलीसेठ झील को बनाया गया था, जिसकी स्थापना का श्रेय महाराजा विनय सिंह को दिया जाता है। इस झील में एक शानदार झील महल है, जो कि महाराजा का प्रिय माना जाता था। अलवर शहर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिलीसेठ झील पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। सिलीसेठ झील अलवर की सबसे रोमांचक व शांत जगहों में से एक है। इस झील से रूपारेल नदी की सहायक नदी निकलती है। मानसून में इस झील का क्षेत्रफल बढ़कर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से भी ज़्यादा हो जाता है। झील के किनारे पर सिलीसेठ महल है, जो कि अब राजस्थान पर्यटन निगम के अधीन है। झील का नज़ारा तो महल के गेट के पास बनी पार्किंग से भी लिया जा सकता है। अगर महल और झील को पास से देखना है तो 100 रुपये का टिकट लेना होता है, जिसमें आप एक कोल्ड ड्रिंक या एक कॉफ़ी भी ले सकते हैं। टिकट लेकर महल में जाया जा सकता है। महल की बालकनी में ही कैंटीन है, जहां पर टिकट देखकर एक कोल्ड ड्रिंक या एक कॉफ़ी का कप दे देते हैं। महल की बालकनी में बैठकर झील की खूबसूरती को निहारा जा सकता है। महल के निचले तल पर वोटिंग का स्टैंड बना हुआ है। वाटर स्पोर्ट्स के चाहने वालों के लिए झील में वाटर स्कूटर भी है। सिलीसेठ घूमने के लिए 1 घंटा पर्याप्त है। सिलीसेठ एक मीठे पानी की झील है, जिसमें रोहू और कतला मछलियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। सिलीसेठ झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। सिलीसेठ झील घूमने के लिए जुलाई से मार्च का समय सबसे बेहतर समय माना जाता है। सिलीसेठ झील जाने के लिए सर्दियों का समय आदर्श समय है, क्योंकि इस दौरान मौसम बहुत सुहावना होता है। सिलीसेठ झील चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ है, यही वजह है कि यहाँ का मौसम ज़्यादातर समय खुशनुमा बना रहता है।
करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।